वेलकम बैक टू नेक्स्ट एपिसोड, मे बी सेकेंड लास्ट और लास्ट एपिसोड। तो जी, सोनमर्ग में सुबह से हो रही है बारिश और हम लोग, मतलब टाइम तो अभी हो रहा है 8:11 और हम लोग निकल रहे हैं अभी तो श्रीनगर के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट है 2 से पहले श्रीनगर जम्मू हाईवे जो है वो हमारा क्रॉस हो जाए, क्योंकि 2 के बाद वो हो जाता है बंद और सामने बादल बिल्कुल नीचे आया हुआ है। सो वी आर होपिंग कि रोड्स बेटर हो, रोड्स अच्छी हो, कुछ अच्छे से हम लोग पहुंच जाए। मैप में तो अभी हमने अपने घर तक का ही डाल रखा है, तो हमारे घर तक का डिस्टेंस इज 921 दिखा रहा है, पहले तो 922 हो गया था, 2 हमने क्रॉस कर लिए। 18 hours and 28 minutes का डिस्टेंस है और 8242 का, जिसमें हम बीच में फिर लंच के लिए भी रुकेंगे, डिनर के लिए भी रुकेंगे, बीच में चाय वगैरह के लिए भी रुकेंगे। तो मतलब 3 or 3:30, 4 तक वील रीच अगर हम डायरेक्ट जाते हैं तो। बाकी जो भी होगा रियल टाइम पे आपको बता देंगे। वैसे यहाँ से आगे था, यहीं पर ही था जहाँ पे इन्होंने हमें रोक के मुड़वा दिया था, यही रास्ता था, यही बैरियर्स लगे हुए। यहाँ से आपको आगे नहीं जाने देते आफ्टर 6 PM, तो आप अगर 6 से लेट हो जाते हैं तो यहीं पर ही आप स्टे कर सकते हैं सोनमर्ग में। प्री बुकिंग करा के आए तो बेहतर रहेगा। यहाँ से श्रीनगर इज 72 और जम्मू इज 366 किलोमीटर। बाकी छोटे छोटे से टाउन या गांव आएंगे बीच में, वो हमें क्रॉस कर वो हम क्रॉस कर करके श्रीनगर पहुंच जाएंगे। अब रोड थोड़ी चौड़ी हो चुकी है, बारिश भी तेज हो गई है। श्रीनगर यहाँ से 59 किलोमीटर है जम्मू की तरफ, 353 किलोमीटर। और वैसे तो ये है कि सामने से आने वाला ट्रैफिक भी आज ज़्यादा है, मे बी बिकॉज अगर ये लोग श्रीनगर रुके हुए थे, अगर मतलब इनको सोनमर्ग आना था और श्रीनगर रुक गए थे शाम को, तो ये लोग अब सोनमर्ग की तरफ आ रहे हैं और जाने वाला ट्रैफिक भी काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी लोगों को कल सोनमर्ग ज़बरदस्ती हमारी तरह स्टे करना पड़ा था जबकि ज़रूरत नहीं थी। तो काफ़ी लोग अब श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। वैसे भी रास्ता जो है वो सिर्फ 2 तक ही खुला है, तो सबको है कि जल्दी से वो जो हाईवे है, अगर कोई जम्मू श्रीनगर से जम्मू जा रहा है तो वो हाईवे 2 तक ही खुला है, तो सबको ये है कि बस वो हाईवे जल्दी से जल्दी क्रॉस हो जाए। हम लोग भी यही सोच के जल्दी निकलेंगे वैसे तो, बट हाँ ठीक है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, व्यू बहुत सुंदर है, बादल थोड़े से नीचे आए हुए हैं। मतलब पिछले 5 हम जिन माउंटेन्स के बीच में थे वो कितने ड्राई थे, पर आज हम जिन माउंटेन्स के बीच में वो कितने वो है ग्रीन है। वो पे पानी का थप्पड़ पड़ा बारिश ने मारा, इतनी मोटी मोटी बारिश हो रही है, इतनी मोटी मोटी। बाकी तो रोड्स बहुत अच्छी हैं अभी तक, लेट्स सी आगे का। हम लोग पहुंच चुके हैं गंदरबाल और अभी यहाँ से 230 किलोमीटर का रास्ता बचा है। पहले मैप में मैंने घर तक का डाल रखा था, लेकिन पापा के फ़ोन में जो मैप चल रहा है उसमें मैंने अब उधमपुर तक का डाल दिया, ताकि ये पता चल सके कि वो जो हाईवे है वो कितने बजे तक हमारा क्रॉस हो सकता है। तो इसलिए उधमपुर तक का तो रास्ता भी 230 किलोमीटर का है, आई गेस तब तक तो हो जाएगा क्रॉस आराम से। ठीक है जी, बाकी आगे कुछ भी आता है तो बताते हैं। बीच में कभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कभी बहुत धीरे धीरे ड्रिजल हो रही है, तो बारिश तो चल ही रहे और ट्रक्स तो यहाँ पे ट्रक्स की भी बारिश हो रखी है, हर जगह पे सिर्फ ट्रक्स ही ट्रक्स चल रहे हैं अभी, क्योंकि हम शायद टाउन में हैं इस वजह से थोड़ा सा स्पीड बहुत कम हो गई है, थोड़ी सी नहीं बहुत कम हो गई है, क्योंकि एक हाईवे पे आप फिर भी एक कॉन्स्टेंट स्पीड चला लेते हो, नहीं तो ओवरटेक करके कर लेते हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। नंदीलेस विल सी एंड जल्दी से हम लोग उस पर चढ़ते हैं फिर एक्सप्रेस वे पे। तो मैं एक छोटा सा आपको अपडेट देना चाहूँगा, जो 9 to 2 का जो टाइम है ना, तो श्रीनगर क्रॉस करने के बाद जो एक बैरियर आता है उसको क्रॉस करने का टाइम 9 to 2 के बीच का है, यानी आप 9 to 2 के बीच में, नहीं 9 AM to 2 PM के बीच में आप वो बैरियर क्रॉस कर सकते हो। अब आप पठानकोट या जो भी उधमपुर जितने बजे मर्जी पहुँचो, दैट डजेंट मैटर, द ओनली थिंग इज कि वो आप वो जो एंट्री पॉइंट है या जो वो पॉइंट है आपको 9 to 2 के बीच में क्रॉस करना है, वो पॉइंट ये है, वो उतनी देर के लिए वो एंट्री पॉइंट खुलता है। बस यही अपडेट था, थोड़ी सी चेंज करेक्शन थी।
क्योंकि अंशिका को शायद वो अनमिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इसमें, बट मैंने आपके लिए करेक्शन कर दिया है। अभी तो ये टाइम है, बट बेस्ट वही होता है कि आप रियल टाइम आप फ़ोन करके उनसे, जेके टूरिज्म की वेबसाइट से आप फ़ोन करके उनसे करेक्ट टाइम ले लो या करेक्ट पोजीशन ले लो, क्योंकि बारिश की वजह से कभी भी रियल टाइम बेसिस पे भी क्लोज हो सकता है वो। तो बेस्ट है कि आप फ़ोन करके ही पता करें। रोड है ही तो ये जो ये वाला रास्ता है ये आपको श्रीनगर लेकर जाता है, और ये वाला जो रास्ता है ये आपको दिल्ली जम्मू वाला, हाँ ये बाईपास है, वो श्रीनगर के अंदर लेकर जाएगा रास्ता आपको। अगर आपको श्रीनगर के अंदर जाना है तो वो रास्ता, अगर बाहर जाना है तो ये रास्ता है आपका जम्मू जाने के लिए या दिल्ली जाने के लिए। यहाँ से अभी तो हम पहुँचे हैं मनीगाम, इसके बाद आएगा उरी विच इज़ 101 किलोमीटर। उरी आएगा नहीं, उरी के लिए रास्ता कट जाएगा। अभी हमें यहाँ से सीधा ही रहना है 16 किलोमीटर तक। तो जब आप यहाँ तक पहुँचते हो तो जम्मू के लिए आपको यहाँ से लेना होगा लेफ्ट, तो वो लेफ्ट सीधा आपका वो जाके वहाँ एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट होते हैं, ब्रिज पे तो कनेक्ट होता ही है। यहाँ से हमने लेफ्ट लिया, अब हम सीधा सीधा जाएंगे, सीधा जाके हमें लेना है फिर से लेफ्ट। इन्होंने मतलब सीआरपीएफ वालों ने एक साइड का ट्रैफिक रोक रखा है, तो अभी जो सामने से आने वाले व्हीकल्स हैं उनको अभी जाने की परमिशन है। शायद अमरनाथ यात्रा वाले लोग आ रहे हैं इसलिए। डोंट नो, बट हमारे भी अब लेन जो है वो चल पड़ी है। हमें तो यहाँ से लेना है लेफ्ट जम्मू के लिए, लेकिन अगर आप राइट जाते हैं तो आ जाता है बारामूला। आगे से यूटर्न लेके पूरा, क्योंकि यहाँ से रास्ता बंद है तो पूरा आगे से यूटर्न लेके जाना पड़ेगा। अभी हम आ गए हैं नेशनल हाईवे 1 पे, NH1 पे, मेन हाईवे पे। अभी तो हम बीच में गलियों में से निकल रहे थे। यहाँ से श्रीनगर 6 किलोमीटर, डल लेक 20 किलोमीटर, पंपोर 25 और लाल चौक आएगा, एयरपोर्ट आएगा, बहुत कुछ आएगा। फिलहाल टाइम हो रहा है 10:12, हमें 2.5 घंटे ऑलमोस्ट लग गए श्रीनगर पहुंचने में ना। हम कितने बजे चले थे? हम चले थे 8:10 पे। अच्छा, फिर तो 2 घंटे ही हमें पहुंचे, फिर तो ठीक है। अभी यहाँ पे आगे तो रेड दिखा रहे हैं, सो लेट्स सी रेड का कितना इम्पैक्ट है और कितना टाइम आगे का दिखाता है वो एक्स्ट्रा। अगर हम यहाँ से सीधा जाते हैं तो श्रीनगर के अंदर एंट्री हो जाएगी, यानी कि श्रीनगर सिटी में हो जाएगी, तो डल लेक वगैरह और जो मुगल गार्डन्स वगैरह है सब कुछ हमें मिल जाएंगे। लेकिन हम राइट साइड से जाएंगे जहाँ से पंपोर आएगा, और हम श्रीनगर के बाहर बाहर से ही निकल जाएंगे ताकि हमें अंदर का ट्रैफिक ना झेलना पड़े। हाँ, थोड़ा सा येलो है रास्ता क्योंकि यहाँ पे सब सीधा राइट वगैरह जाते हैं, क्रॉसिंग है मेजरली, तो इस वजह से। बट आगे जाके वी आर होपिंग कि रास्ता थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। एंड हम रुकेंगे भी पंपोर में थोड़ी देर के लिए कुछ खरीदने वरीदने के लिए। कश्मीर के स्क्रब्स बहुत ज़्यादा फेमस है, केसर हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, और ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट्स और आलमंड्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है कश्मीर की। तो हम देखते हैं हम क्या लेते हैं, पहले पहुँचते हैं पंपोर। तो अभी ये वाला जो रास्ता है, शायद ये जो हाईवे है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए साइड साइड्स में दोनों को
दे रखा है यहाँ से जाने वालों के लिए, वहाँ से आने वालों के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता कच्चा है, पत्थर वाला है, थोड़ा बहुत मिट्टी वाला है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है, पर नॉनदिलेस यहाँ पे लेकिन एक्सप्रेस वे या हाईवे बन जाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। बारिश अभी भी चल रही है, काफ़ी चल रही है, जब से हम निकले हैं तब से चल रही है, राधा जब से हम उठे हैं तब से चल रही है। और अभी आगे थोड़ा सा ट्रैफिक है बट आई गेस मर्ज हो जाएगा सब यहाँ पे। लेट्स सी। तो यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है 101.36 रुपीज़ और हम करवा रहे हैं टैंक फुल। देखते हैं कि कितना टैंक फुल होता है, इसमें तो नहीं दिखेगा लेकिन हम आपको बता देंगे। तो हमने टैंक फुल करा लिया है 2800 में और अब MT2 है 580, यानी कि एवरेज तो सही मिली है। पहले 520, फिर कल 540 था, उससे पहले 520 था, सो टचवुड एवरेज तो अच्छी मिल रही है। अब तो सही रोड से ले चलो प्रभु। चलिए जी आगे मिलते हैं फिर।